हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं रोजालिन, वेलकम टू रोजी की रसोई। मैं आज नया डेजर्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, वो है रसगुल्ले, जो उड़ीसा में और बंगाल में बहुत फेमस है। आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी, उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, आ जाओ पहले देख लेते हैं। आप देख सकते हैं, रसगुल्ला बनाने के लिए मैंने अमूल का दूध लिया है। आप फुल क्रीम का, आप चाहो तो मदर डेयरी का दूध भी यूज कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने रोज वाटर लिया है। और आप नहीं चाहते हो और आपके घर में नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने विनेगर लिया है छेना काटने के लिए, आप चाहो तो इसके बदले में आप नींबू भी यूज कर सकते हो। और मैंने थोड़ा सा इलायची लिया है, आपको इलायची पसंद नहीं है रसगुल्ले में, आप इलायची भी स्किप कर सकते हो। हम अभी चलते हैं दूध को उबालने के लिए और छेना काटने के लिए। आप देख सकते हैं हमारा दूध में उबाल आ गया है। हम छेना काटने के लिए अभी हम विनेगर डालेंगे। इसको डालने के लिए हम एक स्पून विनेगर लेंगे और इसी में दो स्पून पानी पानी लेंगे। लेके धीरे धीरे करके हम इसी में डालेंगे और इसको मिलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारा छेना तैयार हो गया है, पानी से वो अलग हो गया है। हम अभी किसी कपड़े में इसको छान लेंगे। इसी तरह कपड़े में छान लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा छेना से पानी निकल गया है। हम इसको हाथ में मसल लेंगे। इसी तरह हम हाथ में मसल लेंगे जब तक यह हमारा छेना नरम ना हो जाए। ऐसे मसल मसल कर ऐसा करेंगे। फिर इसी में थोड़ा सा मैदा, एक स्पून मैंने मैदा लिया है, उसको डालेंगे ताकि हमारा छेना क्रश ना हो जाए। उसमें देख सकते हैं इसी तरह हम हाथ में ऐसा करके हम छेना गोला बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैं छेना को अच्छे से मसल लिया है। फिर इसी में इसी टाइप का इस टाइप का रोल टाइप, आप देख सकते हैं मैंने छेना को मसल लिया है। अभी इसी में छोटा छोटा गोला बनाएंगे। आप देख रहे होंगे इसी तरह हम गोला बनाएंगे। आप देखना कि इसी में कोई भी क्रास नहीं आना चाहिए। अगर क्रैक नहीं आया तो आप समझ जाओगे कि आपका छेना अच्छे से आपने मसल लिया है। रसगुल्ले का छाछ बनाने के लिए मैंने पानी लिया है, 750 ग्राम का मैंने पानी लिया है। इसी में मैंने 350 ग्राम का चीनी लिया है, वो मैं डालूंगी। आप जितना चीनी लोगे उसका डबल पानी दोगे। इसको हम उबाल आने तक छोड़ देंगे। अभी हमारा छाछनी तैयार हो गया है और पानी में उबाल आ गया है। हम इसी टाइम क्रश करके रखी हूँ इलायची, वो डाल दूंगी। और एक स्पून मैंने रोज वाटर ली थी, वो डाल दूंगी। फिर एक एक करके जो रसगुल्ले का गोला बनाई थी वो मैं डाल दूंगी। एक एक करके पानी में छोड़ना है, एक साथ नहीं छोड़ना। इसी तरह छोड़िए पानी में। इसको हमने हाई फ्लेम में रखा है, इसको हम लीड लगा के 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। अभी 10 मिनट हो गया है, हम
लीड निकाल के हम इसको पलट देंगे, एक एक करके इसी तरह पलट देंगे और फिर 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे इसको। अब 10 मिनट हो गया है, हम निकाल के इसको चेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा रसगुल्ला फूल गया है। हम इसका फ्लेम ऑफ करके हम 3 से 4 घंटे तक इसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। अभी 3-4 घंटे हो गया है, अभी हमारा रसगुल्ले वो ठंडा हो गया है। हम अभी इसको निकाल के आपको दिखाएंगे हमारा रसगुल्ले कैसे बना हुआ है। आप देख सकते हैं कैसे बना हुआ है, कितना स्पंजी बना हुआ है। आप देख सकते हैं, आप इसी तरह घर में रसगुल्ले बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कैसे बना हुआ है। और मेरे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए और शेयर करिए और लाइक भी करिए। नया नया रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डेजर्ट। थैंक यू।